प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को जनता का कल्याण करने वाला नेता बताया। राम मंदिर आंदोलन को लेकर उनको हमेशा से याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवंगत कल्याण सिंह को अंतिम विदाई देते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए परिवार के लोगों को ढाढ़स बंधाया। संपूर्ण राजनीति समाती है, क्योंकि लोकतांत्रिक राजनीति में जिस तरह से वो एक पाठ्यक्रम के रूप में काम किए, उन्होंने एक पाठ लिखा, जिस तरह से उन्होंने दृढ़ शिक्षा के साथ शासन किया, और यही नहीं अपने सिद्धांतों के लिए अपनी सरकार की बल देने में भी उन्होंने एक मिनट नहीं सोचा। निश्चित रूप से वो श्रद्धा हम सबके लिए ये शोक की घड़ी है। कल्याण सिंह जी के माता पिता ने उनका नाम कल्याण सिंह रखा था। उन्होंने जीवन ऐसे जिया, उन्होंने अपने माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था उस नाम को सार्थक किया। वो जीवन भर जन कल्याण के लिए जिए। उन्होंने जन कल्याण ही अपना जीवन मंत्र बनाया और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ, आईडी पकड़ लेंगे जरा मेरा, पूरे परिवार को एक विचार के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने समर्पित किया। कल्याण सिंह जी भारत के कोने कोने में एक विश्वास का नाम बन गए थे, एक प्रतिबद्ध निर्णयकर्ता का नाम बन चुके थे, और जीवन के अधिकतम समय वे जन कल्याण को लिए हमेशा प्रयत्नरत रहे। उनको जब भी जो दायित्व मिला, चाहे वो विधायक के रूप में हो, चाहे सरकार में उनका स्थान हो, चाहे गवर्नर की जिम्मेवारी हो, हमेशा हरेक के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बने, जन सामान्य का विश्वास का प्रतीक बने। देश ने एक मूल्यवान शख्सियत, एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। हम उनके भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखें। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे और प्रभु राम उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में, इस दुख को सहन करने की शक्ति दे और देश में भी यहाँ के मूल्यों, यहाँ आदर का, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं में विश्वास करने वाले हर दुखी जन को प्रभु राम ढाढ़स दे, यही प्रार्थना करता हूँ। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।